वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं एमएस एक्सेल सीपीटी का दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ। इससे पहले एमएस एक्सेल का एक लेक्चर पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को भी आप देखिए। और एमएस वर्ड का दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, आप उसे भी देख के कन्फर्म हो लीजिए। चलिए, जैसा कि एमएस एक्सेल का ये टेस्ट का दूसरा है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज के नाम यहाँ पे एंट्री कर रखा है और उसके फादर्स नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यानी कि ये कंप्लीट बनाया हुआ है। आपको भी एज इट इज ऐसा ही बनाना है, तो आप इसे एज इट इज बनाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उसको अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा, आपको एमएस एक्सेल का पेज ओपन करना पड़ेगा और एमएस एक्सेल के पेज पर आपको पहले सारी जो डाटा है उसे भरनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस सारे क्वेश्चन का यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए हम एमएस एक्सेल के सीट पे चलते हैं और वहाँ पे मैं पहले से ही टाइप करके रखा है उसके ऊपर क्वेश्चन को अप्लाई करके दिखाऊँगा और हर एक स्टेप को क्लियर करूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई स्टेप में परेशानियां नहीं हो। और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप वहां कोई गलती ना करें। छोटी सी मिस्टेक आपके अंक काट लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अंक पूरे चाहिए, अच्छे से आप करेंगे तभी जाके वो हो पाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं एमएस एक्सेल के सीट पर। हम एमएस एक्सेल के सीट पर आ गए हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने सारी एंट्रीज कर रखी है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करूँगा और बताऊँगा कि आप लोगों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपको सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कभी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये जो मेनू बार है ना, इसके मेनू के अंदर कौन कौन से फंक्शन कहाँ पे है, ये चीज़ अगर आपको पता हो जाएगा ना तो आप बहुत कम समय में अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट पेज मार्जिन नैरो, पेज मार्जिन को नैरो सेट करना है, पेज साइज A4 और पेज का जो साइज है वो A4 होना चाहिए एंड पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप, यानी कि तीन फंक्शन आपको पहले क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो इस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट मेनू के अंदर। पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत हम लोग जाएंगे, यहाँ से पेज मार्जिन जो है हम लोगों को सिलेक्ट करना है नैरो, तो हम लोग यहाँ पे नैरो सिलेक्ट कर लिए। तो इसके बाद बोल रहा है पेज साइज A4, पेज का साइज A4 पे क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे लैंडस्केप पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर जो है अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, चेंज द फॉन्ट साइज टू कंप्लीट टेबल टू 14, यानी कि 14 करना, एक्सेप्ट हेडर, यानी कि हेडर को ये वाले को छोड़ के बाकी जितने भी है इसको करना है फॉन्ट साइज 14। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को फॉन्ट साइज जो है करना है 14। तो हम लोग होम मेनू में आ गए, होम मेनू में आने के बाद हम लोग यहाँ से फॉन्ट साइज का 14 पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम लोगों ने फॉन्ट साइज जो है 14 पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, मेक द बॉटम बॉर्डर फॉर द टेबल अप्लाई अप, ये बोल रहा है कि बॉटम बॉर्डर लगाना आपको टेबल में, ठीक है, अप्लाई अप टोटल सैलरी काउंट रो, यानी कि ये टोटल सैलरी काउंट रो के ऊपर वाले रो में यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि बॉटम रो लगाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को लगाना है बॉटम रो। बॉटम रो लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। ये बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल है, यहाँ देखिए बॉटम बॉर्डर यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करना है। अगर कोई और फंक्शन लगाने के लिए बोलता है तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, आप उसे बारीकी से देखेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे। तो हमको यहाँ पे लगाना है बॉटम बॉर्डर,
तो हम लोग यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, देखिए एक यहाँ पतली सी लाइन यहाँ पे लगी हुई है और बाकी कहीं भी कोई लाइन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फोर नंबर में, मेक द हेडिंग रॉ टेक्स्ट। हेडिंग यानी कि ये वाले जो बोल रहे इसके बारे में बता रहा है, बोल्ड करना है इसको और फॉन्ट कलर रेड करना है और फॉन्ट साइज 16 रहेगा और सेट द अलाइन सेंटर और सेंटर अलाइन रहेगा। यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो हम लोग यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फॉन्ट कलर रेड बोला तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट कलर को रेड पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी फॉन्ट या कलर आपको बाहर में दिखता है, अगर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट कलर लग जाएगा, लेकिन वो आपको जो फॉन्ट कलर दिया गया वो रहे तब, अगर नहीं रहेगा, अगर कोई और कलर रहेगा तो यहाँ से आप उसको ढूंढ के उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है फॉन्ट साइज 16, यानी कि फॉन्ट साइज इसका 16 करना है, हम लोगों को यहाँ से फॉन्ट साइज कर लेना है 16। चलिए हम लोगों ने यहाँ से फॉन्ट साइज 16 कर लिया है। अब इसके बाद बोल रहा है सेट अलाइनमेंट सेंटर, इसका अलाइनमेंट सेंटर करना, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने तो यहाँ कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए जो प्रिंट होगा ये तो हमारे कट जाएंगे, तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बढ़ा दिया, अब ये देखिए कट नहीं रहा, लेकिन और भी कुछ परेशानी आएगी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा और आपको उसे सॉल्व करके भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांच नंबर में है, सेंटर अलाइन द डाटा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का जो डाटा है उसको सेंटर अलाइन करना और अप्लाई इफेक्ट बोल्ड एंड इटैलिक, यानी कि ये वाले कॉलम के बारे में बोल रहा है, इसको सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद इसको सेंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे। देखिए सेंटर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जो में एक सेंटर का इफेक्ट लगा हुआ था, हमको फिर से एक बार इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये सेंटर हो गया, अब इसमें बोल्ड करना है। देखिए बोल्ड पे क्लिक किया तो बोल्ड ऊपर वाले में हुआ था तो वो हट गया। अब फिर से हम लोगों को बोल्ड पे क्लिक करना है, हम लोग को ध्यान देना है कि जो भी इफेक्ट यहाँ अप्लाई होगा यहाँ पे वो सिलेक्शन बन जाएगा। अब इसमें इटैलिक लगाना, फिर यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन लग चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सिक्स नंबर, सेंटर अलाइन द डाटा कॉलम। सेंटर अलाइन करना है डाटा कॉलम का जिसका नाम है नेम ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज फादर्स नेम, यानी कि ये वाले जो कॉलम है इसको हमको सेंटर करना है। तो देखिए सेंटर करना है तो ऑलरेडी ऊपर में भी सेंटर किया हुआ, तो हम लोग यहाँ नहीं सिलेक्ट करें, अगर इसी को यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लें फिर यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दे तो हम लोगों का एक बार में ये कमांड हो जाएगा। अगर हम लोग इस सेल को भी लेके सिलेक्ट करते तो हम लोगों को यही सेंटर कमांड जो है दो बार लगाना पड़ता, ठीक है। हम लोगों को और कोई इफेक्ट यहाँ नहीं लगाने बोला, तो इसलिए हम लोग इस दोनों को हेडर वाले को छोड़ दिया ताकि हम लोग इसे अच्छे से तुरंत कर पाए। चलिए नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन में है, सेंटर अलाइन द डाटा कॉलम नेम्ड मोबाइल नंबर। मतलब मोबाइल नंबर जो है इसमें डाटा को सेंटर करना है। देखिए यहाँ भी सेंटर है तो हमको इसको सेंटर करने के लिए फिर से दो बार क्लिक करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग इसी को यहाँ से सिलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ नंबर, राइट अलाइन द डाटा ऑफ कॉलम। डाटा का कॉलम जो है उसको राइट अलाइन करना है सिटी एंड स्टेट, यानी कि जो सिटी है और स्टेट है इसको राइट अलाइन करना। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ देखिए अलाइनमेंट है राइट, तो हम लोग यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दिए तो हम लोगों का ये डाटा जो है राइट अलाइनमेंट में क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल ऑफ सैलरी इन गिवन सेल एंड मेक इट बोल्ड, यानी कि इसके जो सैलरी इसके टोटल को यहाँ पे काउंट करने के लिए बोला जा रहा। तो काउंट करने के लिए हम लोग देखिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इक्वल टू SUM सम छोटी कोस्ट ओपन करेंगे। इसके बाद सेल रेंज देखिए कौन सा है, H1 से लेके H12 तक है, H1:H12 कोस्ट बंद किया फिर इंटर प्रेस किया तो हमारा देखिए यहाँ पे ये
कैलकुलेशन हो गया, तो हम लोगों को यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ा। लेकिन हम लोग यहाँ बिना फॉर्मूला लगाए भी वन क्लिक से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको वन क्लिक से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे सम लगा के दिखाते हैं। यहाँ से आपको माउस से ड्रैग करना है और यहाँ तक एक जो रो है इसको यहाँ आगे बढ़ा देंगे जहाँ पे जोड़ना था। तो यहाँ पे देखिए होम मेनू के अंतर्गत एक ऑटो सम का ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखिए ऑटो सम। तो आप यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटो सम पे जैसे ही क्लिक किए आप यहाँ पे सारे को कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस वाले को जो जोड़ा हुआ है इसको हम लोगों को बोल्ड करना है, तो हम लोग इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द ईमेल कॉलम टेक्स्ट ऑफ द टेबल फॉन्ट कलर ब्लू, यानी कि ईमेल का जो फॉन्ट कलर है उसको ब्लू करना है, और सेट द अलाइनमेंट सेंटर। फिर तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कलर ब्लू करना। तो ब्लू पे देखिए, रखिए यहाँ पे ये ब्लू है, तो इस पर हम लोग क्लिक किए। अब इसके बाद अलाइनमेंट सेंटर करना था, हम लोग इसको सेंटर कर दिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है इफ इन्विजिलेटर सेज दैट प्रिंट आउट कॉपी इज नेसेसरी प्लीज चेक योर वर्क डन इन वन सीट, यानी कि आपने जो भी काम किया है उसको एक पेज में किए हैं कि नहीं आप इसे चेक कर लीजिए। देखिए जैसा कि यहाँ पे डॉट 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 लाइन है, यानी कि ये हमारा वर्किंग एरिया है के बाहर, यानी कि प्रिंटेड एरिया के बाहर है, तो हम लोगों को ये प्रिंटेड एरिया के अंदर लाना है। तो अगर हम लोग इसे लाएंगे तो कैसे लाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ऐसा कर रहे हैं तो ये देखिए हाइड हो जा रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड हो जा रहा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें कि हमारी जो ये प्रिंट आउट की एरिया है वो एक में भी आ जाए, और जितने भी अप्लाई किए हुए इफ़ेक्ट हैं वो कोई भी इफ़ेक्ट में हम लोगों का प्रभाव ना पड़े। तो वो कैसे करेंगे, तो जनरली देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन है रैप टेक्स्ट का, है ना, तो हम लोग यहाँ पे ये जो बड़े वाले हेडर हैं इसको हम लोग रैप टेक्स्ट के माध्यम से इसको स्मार्ट तरीके से थोड़ा कम करके इसको हम लोग ड्रैग करके अपने प्रिंटिंग एरिया के अंदर ला सकते हैं। तो चलिए ये दो बड़े थे तो हम लोग इसको दोनों को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे ये नेम ऑफ एम्प्लॉई वाला को हम लोग यहाँ से ड्रैग करके देखिए आसानी से यहाँ से छोटा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको जहाँ तक एज इट इज है छोटा करते हैं, फिर यहाँ सीरियल नंबर वाले को छोटा करते हैं, ठीक है। ऐसा छोटा करना है कि ताकि वो जो प्रिंट करते समय वो कोई भी जो आपका डाटा वो कटे नहीं, ठीक है, एज इट इज प्रिंट हो जाना चाहिए। चलिए इसको और थोड़ा सा कर सकता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसको छोटा किया अब देखिए हमारे प्रिंटिंग एरिया के अंदर आ गया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा और भी चाहते तो इसको एडजस्ट कर सकते थे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है और उसे अप्लाई करना है। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि फ़ॉन्ट साइज़ घटा के इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो यानी कि तो फिर आप किसी क्वेश्चन को तो आप रॉन्ग कर दिए, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप साइज़ घटा देंगे तो वहाँ पर आपके तो मार्क्स कट जाएंगे ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे ताकि किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रिंटिंग एरिया से बाहर आ रहा है, ये तो बस समझाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन रखा, आपकी प्रिंटिंग एरिया जो है इतनी ही है, इतना ही प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जाके प्रिंट प्रीव्यू में देख भी सकते हैं कि हम लोगों का प्रिंट वाला जो ये वाला पार्ट है ये कट तो नहीं रहा, देखिए हम लोगों का ये पार्ट नहीं कट रहा। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम समझाने के लिए आप लोगों के पास यहाँ रखे हैं, तो इसको भी चाहेंगे तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पेज में प्रिंट आउट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।